तो हम मिटा रहे हैं इसको। हाँ चलिए आप इसको समझ गए, ठीक है। अब इसके बाद देखो कि एक रूल और है इसका, इसको समझा करो। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे दुनिया में हम सभी मनुष्य के साथ अनेक तरह की इन्फिनेट, बहुत सारे अनलिमिटेड हमारे साथ घटनाएं घटती रहती है। तो हमारे साथ बहुत सारी घटनाएं घटती रहती है, लेकिन हमें हर घटना से कोई मतलब नहीं है। समझा, अभी समझा रहे हैं, अभी लिखना मत, हम समझाने के बाद आपको दो नंबर में लिखाएंगे। अभी आप गौर से थोड़ा सा इसको सुनने की कोशिश करिए, रट्टा नहीं मारना है। अंग्रेजी को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अंग्रेजी में सिर्फ आपको एक ही चीज रटना है और वो है आपका वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग वोकैबुलरी जितना रटो, चलो एक दो क्लास और होगा ना तो यहाँ के वर्ड्स भी हम आपको करते जाएंगे, धीरे धीरे आपका लोड बढ़ता चला जाएगा। तो हम ये करें कि हमें सभी घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। हम सभी लोगों के जीवन में, हम सभी मनुष्य के जीवन की ऐसी सारी घटना, ऐसी घटनाएं जो हम सभी मनुष्य के जीवन में अवश्य घटती है, लेकिन केवल एक बार। और ये ऐसी घटना है जो न कभी मनुष्य की इच्छा से आती है और न ही कभी मनुष्य की इच्छा से जाती है। ऐसा दुनिया में जितना भी घटना है, ऐसा किसी भी घटना के साथ अगर हिंदी में से लग जाए तो आप ऐसे सभी से का अंग्रेजी सीन्स लिखेंगे। फिर से एक बार सुन लो, हम सभी मानवीय जीवन की वैसी घटनाएं जो हमारे जीवन में अवश्य घटती है, परंतु केवल एक बार, दोबारा कभी नहीं। और वो वैसी घटना होती है जो मनुष्य की नहीं उनकी इच्छा से आती है, नहीं उनकी इच्छा से जाती है, परंतु वो अवश्य आती है, लेकिन केवल एक बार। मेरा करण अर्जुन आएगा, मेरा करण अर्जुन आएगा। और दोनों आ गया, दोनों शेर हाजिर हो गया था, कुछ इसी तरह से। जैसे नहीं एग्जाम्पल देखो, तब फिर बाद में लिखना। क्या आप सभी लोगों की जन्म हो गई? जी सर। निश्चित है कि आप लोगों की जन्म, हमारी जन्म हो गई? जी सर। तो जन्म से, और हर व्यक्ति के जन्म का एक डेट होता है, बर्थ ऑफ डेट होता है, उसका एक निश्चित डेट टाइम दिन होता है। तो जन्म से ये हमारी निश्चित घटना है। अगर जन्म हुई है तो बचपन भी निश्चित है, और बचपन आई है जवानी से, जवानी निश्चित है। देखो ये कैसी घटना है, हम कब बचपन से जवान हो गए हमें मालूम ही नहीं हुआ, और हमारी इच्छा से ना आई जवानी ना हमारी इच्छा से गई। कब आई और कब चली गई हमें मालूम भी नहीं है, लेकिन एक बार गई जवानी, फिर ना आए। तो ये सब आने वाली नहीं है, ना ही इच्छा से आएगी ना ही इच्छा से जाएगी। ऐसा नहीं कि हम बूढ़ा हो गए और हम ऐसा किए कि कल्पना किए, मन के अंदर इमेज किए, इमेजिन किए कि छू मंतर मैं फिर से जवान हो जाऊं, तो असंभव है, इट्स इम्पॉसिबल, कैन नेवर बी डन। ऐसा कभी नहीं किया जा सकता है, हम ये कह रहे हैं। तो ये जिंदगी में ऐसी घटना है जो मनुष्य के जीवन में अवश्य आती है, लेकिन केवल एक बार, न उसकी इच्छा से जाती है न उसकी इच्छा से आती है। ऐसी किसी भी घटना के साथ अगर हिंदी में से लग जाए तो ऐसे तमाम से का अंग्रेजी, ऐसे सभी से का अंग्रेजी हम सेंस लिखेंगे। तो जवानी से कितनी बार? एक बार, दोबारा कभी नहीं, यहां से का सेंस लगेगा। चलो बुढ़ापे से, तो बुढ़ापे से कितनी बार? एक बार। तो मौत से कितनी बार? एक बार। शादी से कितनी बार? बेवको अनेक बार नहीं, शादी हाँ एक बार नहीं, अनेक बार। किसने कहा एक बार? चलो दिखा रहे हैं एग्जांपल, देश में है आपके, ऐसा कोई भी बंदा दिखा दो इस दुनिया में जिसकी जन्म हुई और मौत नहीं हुई है। कोई भी बंदा जो जवान था और बूढ़ा नहीं हुआ है, अगर वो जिंदा रहा है तो। लेकिन ऐसे बहुत सारे मिसाल हैं जो इस दुनिया में है। देखो शादी जो है ना, ये आपकी इच्छा से हो सकती है, आपकी इच्छा से रुक सकती है। आप चाहे तो दो चार पांच कर सकते हैं, आप चाहे तो बाल ब्रह्मचारी रह सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाल है, अटल बिहारी वाजपेयी इनके मिसाल हैं, और बहुत सारे लोग इनके मिसाल हैं। तो ये आपकी इच्छा से होती है और ये रुक सकती है, इसीलिए ये इच्छा है। ये जो घटना है ना मानवीय जीवन में एक बार होने वाली नहीं है, ये मनुष्य के जीवन में बहुत आ सकती है, बहुत जा सकती है,
मनुष्य की इच्छा से आ सकती है, जा सकती है, इसीलिए हम यहाँ से का सिंस नहीं लिखेंगे, यही हम लोग फोर लिखेंगे। तो जहां सिंस नहीं लगेगा हम वहीं पे फोर लगा देंगे। चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दो नंबर में लिखते हैं, वहां थोड़ा सा और भी ट्विस्ट कर देंगे, कुछ चीज को बढ़ा देंगे। तो दो नंबर में इसी का, चलो दो नंबर का रूल है, दो लिखिए, इसको लिखेंगे हम लोग कि मानवीय जीवन की वैसी घटनाएं जो मनुष्य के जीवन में अवश्य घटती है लेकिन केवल एक बार दोबारा कभी नहीं, परंतु ये सभी घटनाएं मनुष्य की इच्छा से ना आती है ना जाती है के साथ सिंस लगता है। चलो इसको लिख लो और याद भी हो गया होगा हम लोग को कि मानवीय जीवन की वैसी घटनाएं जो मनुष्य के जीवन में अवश्य घटती है लेकिन केवल एक बार, दोबारा कभी नहीं, परंतु ये सभी घटनाएं मनुष्य की इच्छा से ना आती है ना जाती है के साथ से रहने पर सिंस लगता है। चलो इसको मिटा रहे हैं और अब हम लोग इसका एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल क्या है, तो कुछ एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। चलो लिखो, जैसे जन्म से कितनी बार, हाँ एक बार, तो सिंस बर्थ जन्म से, और फिर बचपन से, ये सब सेंटेंस में आएगा तो क्या लिखेंगे, सिंस बचपन का, चाइल्डहुड सिंस लगा देंगे, जवानी से तो बराबर सिंस यंगनेस जवानी से, अब जैसे बुढ़ापे से सिंस ओल्डनेस बुढ़ापे से, जैसे लिखेंगे मौत से तो सिंस डेथ मौत से, अब जैसे कोई कहा आज से, अब देखो आज किसी दिन का नाम नहीं है, यह अप्रत्यक्ष रूप से आज हमारे सामने है, आज को हम लोग देख रहे हैं, आज का दिन शुक्रवार है और हम लोग आज कंफर्म है, तो आज हमारे सामने निश्चित है। दूसरा, आज एक ऐसी घटना है हमारे काल चक्र का कि जो आज एक बार आ जाती है फिर वो दोबारा कभी वापस नहीं आती है, और कोई भी आज, कोई भी कल, कोई भी परसों, कोई भी शाम, कोई भी दिन, कोई भी रात, ये नहीं मनुष्य की इच्छा से आती है और नहीं मनुष्य की इच्छा से जाती है, ये परंतु अवश्य आती है लेकिन केवल एक बार। कुछ हम इसको समझा रहे, थोड़ा सा समझो, कल आएगी, सवाल पूछ रहे हैं आप लोग से, क्या कल आएगी, तो जी सर कल आएगी, लेकिन कल जब वो कल आ जाएगी तो वो कल के डेट में आज बन जाएगी,
लेकिन तुम कहेगा कि नहीं, हम यह बड़ा सा सीढ़ी लगा दिए, पिलर लगा के सूर्य को रोक दिए, कल को हम आने नहीं देंगे। देखो कल आएगी ये निश्चित है, परंतु उसको देखने के लिए हम और आप रह पाएंगे, दुनिया में बहुत सारे लोग रह पाएंगे या नहीं ये अनिश्चित है। हम रह पाएंगे कि नहीं ये अनिश्चित है, लेकिन कल आएगी ये निश्चित है, कल बीत गया ये निश्चित है, कल आएगी ये निश्चित है, आज आज है ये निश्चित है, आज चार बजेगी ये भी निश्चित है, पर उस चार बजे को देखने के लिए हम बहुत सारे लोग नहीं रहेंगे, ये अनिश्चित है। और जहां अनिश्चित है वहां से के लिए हम लोग फोड़ लगाते हैं, और जो निश्चित है उसके साथ से रहने पर हम सिंस लगाते हैं। तो हम अगर ये चाहें, कल्पना करें कि नहीं आज आज आई है ठीक है, लेकिन आज आज को हम जाने नहीं देंगे, क्या ऐसा हो सकता है? ये कदापि नहीं हो सकता है। आज आई है और आज जाएगी, और ये आज फिर कभी नहीं आएगी जो आज आकर चली गई, वो शाम कभी नहीं आएगी जो शाम एक बार आ गई, वो दिन रात कभी नहीं आएगी जो एक बार आ गई। अगर वही हर दिन आता रहेगा तो फिर हम लोग हर दिन एक ही दिन का बच्चा रहेंगे, इसीलिए ये सब निश्चित है। और जो निश्चित है उसके साथ से रहने पर सिंस लगता है। तो आप देखो आज से मैं से का क्या लिखेंगे, सिंस टुडे। तो यहाँ पे रहेगा कल से, यहाँ क्या लिखेंगे, यही होगा सिंस टुमारो। हाँ, सिंस टुमारो। अब रहेगा यहाँ मान लो कि शाम से, तो क्या लिखेंगे, शाम से, शाम भी निश्चित होता है, सिंस सिंस इवनिंग। उसी तरह से सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। चलो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। तो जहां ये सब चीज आ जाए वहां हम लोग से का सिंस लिखेंगे, और अगर ये सब नहीं आएगा तो फिर हम वहां पे से का फोर लगा देंगे, जिसको हम तीन नंबर में अब लिख रहे हैं, ठीक है। तो चलो तीन नंबर में लिखेंगे, अगर इन सभी चीजों का नाम ना हो तो से बराबर फोर। सीधा फॉर्मूला हो गया। अब इन सभी चीजों का मतलब कौन सा चीज का, तो साल का, दिन का, महीना का, बजे का, तारीख का, आज कल, परसों, तरसों। अगर ये सब नहीं आए, कुछ और चीज अगर आ जाता है तब, अगर उसके साथ से लग जाता है तो तब हम वैसे सभी से का फोर लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लो, कोई कहा कि कई दिनों से कहने में दिन का नाम नहीं आया, तो यही लिखेंगे फॉर मैनी डेज। अगर इसको और भी अच्छा से उच्चारण करें तो देखो डेज पढ़ेंगे, क्योंकि डी ए, ये जो ए होता है ना, इसको ए पढ़ते हैं। जैसे यहां देख लो डी ए वाई डेज, टी ओ डी ए वाई, इसको टूडे नहीं पढ़ेंगे, इसको ओरिजिनल में चिड़े पढ़ा जाएगा। चिड़े चिड़े मतलब आज। चिड़े आई एम रेडी टू चैट विद यू, आर यू नॉट रेडी टू चैट विद मी। बाद में हम थोड़ा सा स्पोकन का भी कुछ प्रेजेंटेशन देंगे हम आप लोग को, ठीक है। चिड़े जहां भी इस तरह का रहे, चिड़े है पैर पैर। तो कई दिनों से फॉर मैनी डेज, कई दिनों से। कोई का 10 वर्षों से, अब देखो 10 वर्षों में कहीं वर्ष का नाम नहीं है, वर्ष का नाम तो 10 है नहीं, वर्ष का नाम 1990 है, 2001 है, 1918 है, 1700, 1400, 1500, 1600 ये सब है, तो ये वर्ष का नाम नहीं है, तो यहां हम से का फोर लिखेंगे और 10 और वर्ष का ईयर्स कर देंगे। कोई मान लो कहा कि दो घंटे से मैं कहीं देखो बजे लगा हुआ नहीं है, तो मतलब ये बजे का नाम नहीं है, तो 2 घंटे से, यहां हम से का 4 लिखेंगे और 2 का 2 लिखेंगे और घंटे का आवर्स लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग सिंस और
फोर का यूज करेंगे। ये आपका सिंस और फोर का यूज हुआ समाप्त। इसको ध्यान रखिएगा, आपका दुनिया में कभी जीवन में सिंस और फोर कभी गलत नहीं होगा। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को कर लिए, सिंस और फोर का यूज हम लोग जान गए। अब हम लोग डायरेक्ट इसके एग्जाम्पल पर चल रहे हैं। चलो अब एग्जाम्पल को सेंटेंसेस बना लेते हैं। आप लोग बचपन से परेशान हैं, सावधान हो जाओ। सेंटेंस के अंत में आप क्या देख रहे हैं? हैं वो। गुरुजी आपने पढ़ाया है कि अगर सेंटेंस के अंत में हैं वो लग जाए तो वह टेंस होता है केवल प्रेजेंट, जो बनता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट से। सर आपने सबसे पहला दिन यही टेंस पढ़ाया है और उसमें यही पहचान और यही स्ट्रक्चर दिए, लेकिन हमने अभी क्या कहा कि सावधान रहना है कि अगर समय अवधि पर कहीं भी हिंदी में अगर से लग जाता है तो वाक्य पहचान से कोई भी टेंस क्यों ना हो वो सारा पहचान फेल हो जाएगा और मात्र वो उस पर बदल कर बनेगा और वो टेंस होगा केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसीलिए ये टेंस अब प्रेजेंट टेंस में इजेमार पर नहीं बनेगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद हैज हैव बीन लेते हैं तो यू हैव बीन, और परेशान का अंग्रेजी नहीं जानते हैं हम, दे रहे हैं आपको रेस्टलेस। देख लेना यहाँ पे रेस्टलेस ही नहीं करेंगे क्योंकि रेस्टलेस शब्द भार्व नहीं है और आईएनजी किस पर लगता है? भार्व पर। तो भार्व होगा तब ना हम आईएनजी लगाएंगे। आप लड़का है, आप कहीं जा रहे हैं, कोई पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, आपने कहा कि शादी करने के लिए, तो फिर वो पूछा कि क्या लड़की से, तो तुमको तो गुस्सा होगा ना, एक तरह का मजाक कर रहा है। भाई लड़का है तो ऑब्वियसली शादी करने के लिए जा रहा है तो वो लड़की से ही करने जा रहा होगा। आजकल फीमेल मेल 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 सेम सेक्स में भी शादी कर रहे हैं लोग, वो अलग बात है, वो थोड़ी सी रेयर ऑफ द रेयर में आता है, लेकिन ऑब्वियसली लोग यही समझते हैं। तो शब्द भार्व होगा तभी ना हम आईएनजी लगाएंगे। अगर कोई शब्द भार्व है ही नहीं तो हम उस पर जबरदस्ती आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे, तब सिर्फ उसका जो वर्ड होगा उसकी अंग्रेजी डाल देना है। रेस्टलेस का मतलब परेशान। अब आप कहेंगे कि सर हम कैसे समझें कि परेशान और रेस्टलेस शब्द भार्व है या फिर नहीं है? तो हम आपको एक रूल बतलाए हुए हैं कि जो भी शब्द को आप भार्व ढूंढना चाहते हैं उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो अगर रेस्टलेस का मतलब होता है परेशान, मीनिंग जान रहे हैं आप, तो आप मन ही मन किसी भी शब्द के हिंदी अर्थ के अंत में मन ही मन ना लगा दो। तो परेशान में ना लगा दो, परेशान ना शब्द बना कि बिगड़ गया, बिगड़ गया। सब परेशान ना कोई शब्द नहीं होता है। अगर ना लगाने से शब्द बिगड़ जाता है तो इसका मतलब ये भर्व नहीं है, और अगर ना लगाने से शब्द बन जाता है तो इसका मतलब ये भर्व है, और अगर ये भर्व है तो आईएनजी फॉर्म लगने वाला अगर है तो फिर लगेगा, लेकिन अगर ये भर्व नहीं है तो हम जबरदस्ती इस पर कभी आईएनजी नहीं लगाएंगे। इसीलिए रेस्टलेस शब्द भर्व नहीं है तो यू हैव बीन रेस्टलेस। अब क्या बचा? एक ही चीज, बचपन से, जिसमें से का हम सबसे पहले सिंस लिखेंगे और बचपन का अंग्रेजी लिखेंगे चाइल्ड होड। हाँ, चाइल्ड होड। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल, कुछ लोग वर्षों से जीवन की पथ पर संघर्ष करने के लिए तैयार है। लिखते चलिए, सब को एग्जाम्पल है, तैयार है। अब पहले इसको सुन लो तब फिर बाद में लिख लेना। हम क्या करें, कुछ लोग वर्षों से जीवन की पथ पर संघर्ष करने के लिए तैयार है। आपको हम लॉक सिस्टम पढ़ा चुके हैं तो सेंटेंस में जैसे ही आपको लॉक दिख जाए, और एक चीज और ध्यान रखना कि अगर किसी हिंदी सेंटेंस में समय या फिर अवधि, समय या अवधि के साथ, समय या अवधि के साथ अगर कहीं से दिख जाता है ना, तो ये से वाला भी पार्ट को हमको लॉक कर देना। और लॉक हम कहां से किए हैं? सबसे पहला लॉक करना है हमेशा सब्जेक्ट को केवल बाहर,
छोड़कर। तो अगर हम सब्जेक्ट को देखें तो सब्जेक्ट कौन है? कुछ लोग। कुछ लोग को अगर हम छोड़ दें तो पहला लॉ का पहला टिक यहां लग रहा है बरसों के ठीक पहले, और सेंटेंस में पहला टिक करने के बाद लॉक का हम यह ढूंढेंगे कि सेंटेंस का सबसे अंतिम लॉक कहां खत्म हुआ। तो देखो के लिए मैं खत्म हुआ, यहां एक टिक कर देंगे और दो टिक के अंदर जितना भी सेंटेंस आया वो सभी लॉक हो जाएगा, और दो टिक के पहले और बाद यानी बाहर जो भी बचता है वही सेंटेंस का हम सबसे पहले ट्रांसलेट करते हैं। हम गोल करके दिखा रहे हैं, देखो बाहर क्या सब बच रहा है, इतना चीज आपका बाहर बचता है। कुछ लोग तैयार हैं। अब ये सेंटेंस को अगर आप देखें, कुछ लोग तैयार हैं, तो पहचान से केवल ये प्रेजेंट टेंस है, केवल हैव हूं है वो लगा हुआ है, लेकिन समयावधि पर कहीं ना कहीं सेंटेंस में से लग गया है, इसलिए ये बदल कर बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कुछ लोग में कुछ का क्या लिखेंगे? सम। अब इसमें पीपल लगा दिए तो लोग, तो तुम ही लोग बतलाओ, कुछ लोग एक हुआ कि एक से अधिक? हाँ जी, एक से अधिक हुआ। एक से अधिक को ही हम कुछ लोग कहते हैं, तो एक से अधिक हुआ तो सिंगुलर हुआ कि प्लुरल? तो प्लुरल। और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ कभी हैज नहीं लगता है, हमेशा हैव लगता है, इसीलिए हम इसके साथ हैव लगाएंगे और बीन लगाएंगे, और हैज बीन हैव बीन के बाद जो शब्द आता है वो शब्द देखो अब क्या है, तैयार। तैयार में ना लगा दो, तैयार ना शब्द बना कि बिगड़ गया तो बिगड़ गया। जो बिगड़ गया वो औलाद नहीं है, जो सुधर गया वही औलाद है। अगर ना लगाने से शब्द बिगड़ जाता है तो वर्ब नहीं है, और जब वर्ब नहीं है तब आईएनजी नहीं लगाएंगे, और अगर ना लगाने से शब्द सुधर जाता है बन जाता है तो फिर ये वर्ब है, और अगर ये वर्ब है तो हम इस पर आईएनजी लगाएंगे। लेकिन यहां वर्ब है नहीं ये, इसीलिए तैयार का अंग्रेजी रेडी। अब रेडी पर हम आईएनजी नहीं लगा देंगे क्योंकि सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपने कहा है कि इसमें वी फोर लगता है, लेकिन हमने ये भी बतलाया है कि कोई भी टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल सकता है, और जो टेंस इसमें बदलता है कोई जरूरी नहीं है कि उसमें वर्ब आएगा ही। वर्ब आएगा तो वी फोर होगा, वर्ब नहीं आएगा तो वी फोर नहीं होगा। समस्या आएगी तो देखा जाएगा, नहीं आएगी तो नहीं देखा जाएगा। तो फिर हम आने वाले समस्या को सोच सोच कर हम अपने आप को क्यों खपाते रहे? तो चलो बाहर अब बन गया, अब हम क्या कहेंगे? लॉक खोलना है, और लॉक हमेशा खुलता है अंतिम लॉक का अंतिम शब्द से, और अंतिम लॉक का अंतिम शब्द क्या है? के लिए। के लिए का हम आपको टू और फोर दोनों बताए हुए हैं इससे पीछे का क्लास में। तो के लिए के ठीक पहले का शब्द क्या है? संघर्ष करना, संघर्ष करने, ने हटा के ना लगा दो मन ही मन, संघर्ष करना। संघर्ष करना शब्द बना कि बिगड़ गया? शब्द बन गया, तो मतलब ये वर्ब है। और क्या बतलाए? अगर वर्ब के साथ के लिए लग जाए, अने वर्ब के साथ अगर के लिए लग जाए तो हम क्या रूल दिए इसको कि हम इसको दोनों रूल से बना सकते हैं। टू से बनाएंगे तो भी वन होगा, और फोर से बनाएंगे तो भी फोर होगा। इसीलिए हम यहाँ दोनों मेथड में किसी का भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे फोर लिखेंगे तो यहाँ पे संघर्ष करना का बिफोर स्ट्रगलिंग हो जाएगा, यहाँ भूल करके दिखा रहे हैं। और अगर हम इसके बदले फोर नहीं टू लगाएंगे तो भी सेंटेंस सही होगा, लेकिन टू लगाने से हम स्ट्रगलिंग नहीं सिर्फ स्ट्रगल लिखेंगे। तो आपकी मर्जी है कि आप किससे बनेंगे। तो एक बन गया आपका संघर्ष करने के लिए तक खत्म। आगे बढ़ जाओ पर में आ गए। अब पर वाले सेंटेंस में देख लो इस लॉक में कहीं भी शब्द एक लगा हुआ नहीं है, और अगर पर के लॉक में एक लगा हुआ नहीं है तो हम पर को बोले हैं किससे हटाने? ऑन द से। तो जैसे ही ऑन द दिए तो क्या खत्म हुआ? पर के बगल का वर्ड क्या है? पथ। पथ को अंग्रेजी में पाथ लिखते हैं, पी ए टी एच पाथ। इसके बगल में क्या है? की है। की का इंग्लिश क्या बताए? ऑफ। तो की भी खत्म। बगल में क्या है? जीवन। अने आपको पीछे से आगे की तरफ बढ़ना है, एक बार में एक वर्ड लेना है, तो जीवन का लाइफ ये भी खत्म। अब यहाँ देखो से का सिंसिया फोर होगा। बरसों से में क्या बरसों किसी वर्ष का नाम है? नहीं सर, वर्ष का नाम वर्ष नहीं है सर। तो बिना नाम अगर आ जाए कोई भी साल दिन महीना बजे तारीख तो ऐसे कंडीशन में हम सिंस नहीं तब फोर लगाएंगे, तो हो जाएगा फोर ईयर्स।
वर्षों से। चलो ये दूसरा एग्जांपल था, अब हम लोग इसी में आगे बढ़ रहे हैं, या फिर इस टेंस को ना दो दिन में कर देते हैं, एक दिन में थोड़ा लंबा हो जाए, और अगले दिन हम लोग इसी टेंस को अब इंटरोगेटिव नेगेटिव और टर्म प्लस नेगेटिव कर लेंगे, और इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ जाएंगे पास्ट टेंस में। यही तक हम रखते हैं, और इसी के साथ आप सभी लोगों को मेरी तरफ से एक बार फिर से जय हिंद जय भारत। चलिए अगले क्लास में हम फिर इसके साथ हाजिर होंगे, और वर्ड्स या जो भी है वोकैबुलरीज वो भी हम आपको पढ़ाएंगे, और अगले दिन से हम आपको टास्क भी करवाएंगे, और एक बुक का अब हम नाम लिखते हैं। जो मेरे पास ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो एक बुक खरीद लीजिएगा, किताब का नाम है प्लस टू ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन। अगर किसी के पास पहले से किताब उपलब्ध है तो नहीं खरीदेंगे, और अगर नहीं है तो आप यही किताब को खरीदेंगे, और इसका एक्सरसाइज वन और पेज नंबर वन का एक्सरसाइज वन आपका टास्क रहा, आप लोग बना करके रहेंगे, और अगले वीडियोज को जब आप देखेंगे तो ये किताब और जो बनाए हैं आप कॉपी उसको लेकर बैठिएगा, हम उसके हर एक सेंटेंस को बोर्ड पर पहले मिला देंगे, कहाँ क्या दिक्कत है, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से आपका टास्क भी चेक होगा, और फिर उसको सही भी करते जाइएगा, जो गलती होगी तो टास्क भी बनता जाएगा, और अगर हम लोग चैप्टर भी चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे, और हर चैप्टर का टास्क बनेगा आपका, तो वो ज्यादा मजबूती होगी, तो उसमें टाइम लगता है थोड़ा, आधा घंटा 30 मिनट टाइम लग जाता है टास्क को चेक करने में। शुरू में थोड़ा कम लगेगा, और बहुत छोटा छोटा सा उसमें सेंटेंस पेसेज टाइप का आता है, तो उससे परेशान नहीं होना है, बनाना है लेकिन मन से बनाइएगा, और अगर कोई दिक्कत हो फिर ज्यादा तो फिर कॉमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ यही रखते हैं आज का क्लास, आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।